वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एनसीईआरटी के टेक्सचुअल एग्जांपल्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल 6.2, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम आर प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ओके मींस दे आर प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 Tesla is set up across the northeast direction. Okay, it's northeast. So I can take the angle as 45. Compared to the east, the northeast will be 45 degree. The magnetic field is decreased to zero in 0.7 second at a steady rate. Okay. Let me write down the length is 10 centimeter and 0.1 meter. Okay, and it's a square loop, so the area will be equal to L square. That will be 0.01 meter square. Magnetic field 0.1 Tesla. Okay, angle theta. See, the plane is in east-west and it is kept in northeast direction. Magnetic field is in northeast direction. So, angle will be 45 degree. Okay, now magnetic field is decreased to 0. So, B1 is this. B2 will be. B2 is 0 Tesla. In time interval, delta T is equal to 0.7. Okay. Now you have to find out the magnitude of induced EMF and current. Now according to Faraday's law, EMF will be equal to delta phi by delta T. Okay. So this is according to Faraday's law. EMF induced d phi by dt. So delta T time interval is given 0.7. I need to find out delta phi. So phi 1 that will be equal to B1A cos theta. Theta is 45 degree. Okay. So this will be equal to 0.1 into L square, that is 0.01 into cos 45, that is 1 by root 2. So it will be 0.1 10 raised to minus 1, 0.01 10 raised to minus 2. Ye ho jayega 10 raised to minus 3 upon root 2. Phi 2. फ्लक्स 2 वो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B2 जीरो दी हुई है। ठीक है, तो EMF इंड्यूस डेल्टा phi अपॉन डेल्टा t। डेल्टा phi ये तो जीरो है, मतलब 10 raised to minus 3 अपॉन रूट 2 आएगा और टाइम 0.7। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर 10 raised to minus 3, नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7, ये हो गया 0.98। तो हम राउंड फिगर में ले लेंगे 1, सो 10 रेज टू माइनस 3 बाय 1, ये हम बोल सकते हैं 10 रेज टू माइनस 3 मतलब 1 मिली वॉट। ओके, तो ये हमारा ईएमएफ। दूसरा क्वेश्चन है करंट I इज इक्वल टू V बाय R, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय R। ईएमएफ कितना है 1 मिली वॉट, मीन्स 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 ओम, हमने गिवन में लिखना भूल गए, आर इक्वल टू 0.5 ओम अपॉन 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर और I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट इंड्यूस्ड। Okay, so this was about example 6.2. So just note it down. Example 6.3. A circular coil of radius 10 cm, 500 turns and resistance 2 ohm is placed. It's perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. Estimate the magnitude of EMF and current induced in the coil. Horizontal component of Earth's magnetic field at that place is 3 into 10 raised to minus 5. तो पहले गिवन क्वांटिटी लिख लेते हैं। कॉइल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मतलब अगेन 0.1 मीटर।
नंबर ऑफ टर्न्स दिए है 500, रेजिस्टेंस टू वॉर, ओके। अब देखो, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180, मतलब 180 डिग्री रोटेट करता है। तो हम इनिशियल एंगल 0 ले लेंगे, फाइनल एंगल 180 ले लेंगे, तो थीटा 1 आ जाएगा 0 डिग्री और थीटा 2 आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब 0 डिग्री ये इनिशियल कंडीशन है। और कितने टाइम में ये करते हैं? 0.25 सेकंड। तो डेल्टा टी है 0.25 सेकंड। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻¹⁵, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁻¹⁵ टेस्ला। ओके, ये हमने एग्जांपल 6.2 किया, उसी तरह से करना है, ठीक है। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस फैराडेज लॉ की फॉर्मूला क्या आएगी? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लक्स 1, ये क्या आएगा? बी 1 ए कॉस थीटा 1, ठीक है। एरिया कितना आएगा? आर 1 है तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 0.1 स्क्वायर, मतलब 0.01, एंड पाई मीन्स 3.14, यानी ये आ जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया कॉयल का, ठीक है। अभी नंबर ऑफ टर्म्स एन डी है, तो फॉर्मूला में एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा डी आएगा, ठीक है। तो अभी फ्लक्स 1 फाइंड करेंगे। बी 1 मतलब 3 × 10⁻¹⁵, एरिया 0.0314, कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 0, इसकी वैल्यू आएगी 1, ओके। सो 3 × 10⁻¹⁵ × 0.0314 × 1, तो अभी ये कैलकुलेट करते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या है? 3 × 0.314, ये आ जाएगा 0.942 × 10⁻¹⁵, ठीक है। वेबर। फाइ 2 हम फाइंड करेंगे, तो बी 2 ए कॉस थीटा 2, मतलब बी 1 ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, तो मतलब मैं बी 1 नहीं बी कर देता हूँ सिर्फ, यहाँ पे भी बी बी ए कॉस 180। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो सेम ही है, तो मतलब बी ए इंटू माइनस 1, तो यही आंसर आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। सो माइनस 0.942 × 10⁻¹⁵, ठीक है। तो डेल्टा फाई आ जाएगा फाइ 2 माइनस फाइ 1, मीन्स माइनस 0.942 × 10⁻¹⁵ माइनस 0.942 × 10⁻¹⁵, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1.884 × 10⁻¹⁵, ओके। तो ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होगी? माइनस एन, हम माइनस लगा दिया अगर, तो एन डेल्टा फाइ बाय डेल्टा टी, तो माइनस एन है 500 टर्म्स, डेल्टा फाइ माइनस 1.884 × 10⁻¹⁵ अपॉन डेल्टा टी 0.25। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 500 इंटू 1.884, ये आएगा 942 डिवाइडेड बाय 0.25, सॉरी मिस्टेक हो गई हमारी, 500 इंटू 1.884 डिवाइडेड बाय 0.25, नहीं करेक्ट है, 3768 × 10⁻¹⁵, हम ले लेंगे 3.7, राउंड फिगर में 3.8 × 10⁻¹² वॉल्ट। तो ये आ गया हमारा ईएमएफ।
ठीक है। ओके सॉरी, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर ली, यहाँ पे 0.0942 था, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.0 मतलब 0.942 इंटू 10^-6 वेब, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6 आएगा 6, तो ये हो गया -3 वाट। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू है 3.8 इंटू 10^-3 वाट। अब आया दूसरा क्वेश्चन, करंट I इज इक्वल टू V बाय R एप्सिलॉन बाय R, मतलब 3.8 इंटू 10^-3 अपॉन R कितना दिया है 2 ओम, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10^-3 एम्पियर, तो ये आ गई हमारी करंट की वैल्यू। ठीक है, दिस वॉज अबाउट एग्जाम्पल 6.3, so just note it down. Okay students, so that's it for today. Thank you.